कैसा बोध होता है आपको, आप वर्दी पहने हैं, जिम्मेदारियां हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ग्रामीण इलाका से बिलोंग करता हूँ और मीडियम फैमिली से, उस अति दौर से निकल कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपने आप में मेरा गर्व की बात है। मेरा एम था कि जैसे मेरा कॉम्पिटिशन में जाना है, मेरा जो था कि ना इंजीनियरिंग करना है ना फिर डॉक्टरी से कुछ नहीं करना, वो कॉम्पिटिशन करना है। तो कैसे मोटिवेटेड, कैसे दिन भर फिल्म स्टडी कर लेते थे? दिन भर नहीं, मतलब आप जैसे 6 से 8 घंटा ही चीजें ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक ले लेंगे के लिए सिलसिलेवार ढंग से आप पढ़िए। हमें धीरेन्द्र, पहला सवाल जो छात्रों का सवाल होता है, किताब पढ़ें कि नोट्स पढ़ें? किताब भी पढ़ना चाहिए और साथ साथ नोट्स भी पढ़ना चाहिए। नोट्स भी पढ़ना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए? मॉडर्न हिस्ट्री की आप स्पेक्ट्रम में टेस्ट सीरीज रोज लगाना उतना नेसेसरी नहीं है, आप अल्टरनेट लगाइए। अगर आप हल्के सवाल को गलत कर देते हैं तो वह जो आप मेरी माइंड में जैसे वो दिक्कत हो दिक्कत हो। सबसे पहले हम तो ये कहेंगे कि डेडिकेशन बहुत बड़ा चीज़ है, डेडिकेशन उसके प्रति रहिए, लगनशीलता भी होनी चाहिए, और तीसरी बात यह है कि आप दृढ़ संकल्प कि हम जब कहीं भी मतलब अपना ड्यूटी के दौरान अपना कर्तव्य निर्वहन के दौरान कहीं भी जाते हैं तो यही रहता है कि हमसे किसी तरह का कोई गलती ना हो। अपनी जर्नी बताइए 12वीं से लेकर नौकरी तक पहुंचने की। मैं ज़्यादातर समय सेल्फ स्टडी में ही बिताया, मैंने कोचिंग संस्थान का सहारा बहुत कहीं बहुत कम लिया। चरवाहा एक शीर्षक है, उसमें बताया गया है कि परिस्थितियाँ मनुष्य सब कुछ मनवा लेती है, रोराट का सकती है, इसलिए उससे नहीं घबराए, आपको सवाल पाएगी जरूर। साथ ही ऑफिसर एकेडमी लेकर के आए हैं मिशन बिहार दरोगा। हमें ऐसे 50 जुनूनी बच्चे चाहिए जिनके सर पर सवार है बिहार दरोगा का भूत, जिनका पहला प्यार है वर्दी, और वर्दी के लिए वो दिन रात एक करने को हैं तैयार। तो ऑफिसर एकेडमी ढूंढ रहा है आप सब में से 50 ऐसे हुनर बच्चों को, हम उनको पूरी तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में फ्री में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, पूरी तैयारी निशुल्क। अगर आप में है जुनून तो वर्दी का सपना पूरा कराएंगे हम आपको साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में, संघर्ष की गाथा को आगे बढ़ाते हुए। अगले वीडियो में हम मिल रहे हैं। बिहार के लाखों बच्चों सपना देखते हैं अपने बदन पर वर्दी का, और वर्दी एक जुनून है। बिहार के लाखों छात्र इसके लिए प्रतिवर्ष तैयारी करते हैं, और इसी श्रृंखला के अंदर में हम ऐसे एक वर्दीधारी से फिर मिलेंगे जिसने अपने संघर्षों की गाथा से अपने कलम को घिस घिस कर सफलता को अर्जित किया है। हमारे ठीक दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं धीरेन्द्र जी, और धीरेन्द्र जी की सफलता कोई आम सफलता नहीं है। धीरेन्द्र ने काफी मेहनत के बाद ये सफलता अर्जित की है, मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले हैं, और इन्होंने कई सारी परीक्षाओं को पास किया है, चाहे वो IBPS की बैंकिंग क्लर्क की एग्जाम हो, PO की एग्जाम हो, LDC की परीक्षा हो, BRSSC की परीक्षा हो, 1717 के दरोगा में भी इन्होंने मेंस की परीक्षा दी थी, लेकिन इनका सिलेक्शन PT पास किया था, लेकिन इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 2446 में वर्दी पहनकर निकले हैं, समाज की जिम्मेदारियों का बोझ इनके ऊपर है और इसका ये दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने दरोगा परीक्षा के दौरान कौन कौन सी गलतियों को सुधारा, किस प्रकार से तैयारियां नहीं, और किस प्रकार से इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, क्या टाइम टेबल हुआ करता था, और विषयों के लिए इन्होंने कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज तैयारी की। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धीरेन्द्र। पहला सवाल जो छात्रों का सवाल होता है, किताब पढ़ें कि नोट्स पढ़ें? मेरे विचार से किताब भी पढ़ना चाहिए और साथ साथ नोट्स भी पढ़ना चाहिए। नोट्स भी पढ़ना चाहिए। विषय बार बात करते हैं, रोज सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करें कि पहले थ्योरी पढ़ लें फिर प्रैक्टिस करें? नहीं, मेरे विचार से तो प्रैक्टिस उतना मायने नहीं रखता जितना आप सेल्फ स्टडी करते हैं। बिल्कुल, तो थ्योरी पढ़ लें पहले, अगर जरूरत उसके बाद आप प्रैक्टिस करें जी। तीसरा बड़ा ही बेमाक सवाल है, किन किन पुस्तकों का आपने अध्ययन किया है? अगर इतिहास की बात करें पहले हिस्ट्री में आते हैं जी। हिस्ट्री में मैंने जैसे कि NCERT पढ़े, NCERT पढ़े, ठीक है। उसके बाद जैसे होता है 6 to 8 ये सब 10th 11th मेरा चुकी है, इंटर से ही मेरा जैसे आर्ट्स मेरा विषय था हिस्ट्री जो इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स एंड बिल्कुल, तो मैं शुरू से मेरा जैसे आर्ट के प्रति जैसे डेडिकेशन बाहर लगा हुआ है। वैसे शुरुआती में तो मेरा जैसे मैथ्स भी अच्छा था, लेकिन मेरा जो होता है कि हमको मेरा एम था कि जैसे मेरा कॉम्पिटिशन में जाना है, मेरा जो था कि ना इंजीनियरिंग करना है ना फिर डॉक्टरी से कुछ नहीं करना, वो कॉम्पिटिशन करना है। तो मैंने सोचा कि कॉम्पिटिशन के लिए या तो आर्ट ही या जैसे साइंस, यही दो बेहतर विकल्प हो सकते हैं, इसलिए मैंने कॉमर्स मैंने चूज नहीं किया और मैंने आर्ट्स ही बेहतर समझा। बिल्कुल, मतलब आर्ट्स था तो आपका तैयारी में ऑटोमेटिकली इनको बहुत मदद मिल गया आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर हम बात करें किताबों की, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या किताबें पढ़नी आवश्यक है? एंशिएंट हिस्ट्री के लिए वही 6 टू 10
और हम भी आपको पर्सनली सजेस्ट करते हैं कि उस किताब को जरूर पढ़िए, और खासकर राष्ट्रीय आंदोलन तो वहीं से पढ़िए। बिल्कुल आते हैं साइंस के अंदर में। साइंस बच्चों को जिनका अच्छा है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका अगर बैकग्राउंड साइंस का नहीं रहा है उनके लिए काफी चुनौतियां हैं भाई, उसको कैसे टैकल करेंगे? साइंस के लिए मेरे यहाँ से आप बेसिक के लिए जो होता है 6 to 10 यही बेहतर है। 6 to 10 वाली एनसीईआरटी जो बॉक्स बॉक्स में चीजें की गई हैं उनसे खुद का नोट्स बनाइए, इसका नोट्स बनाइए जी। बिना खुद के कलम से नोट्स बनाए नहीं चलेगा। आजकल ये जो टेंडेंसी आ गई है कि मार्केट में बने बजाए नोट्स मिल रहे हैं, उनके ऊपर आपका क्या विचार है? क्या उन नोट्सों का मदद लेना चाहिए या खुद से प्रिपेयर करना चाहिए? उनका ही मन लेना चाहिए, और मेरे या सिर्फ खुद जो सेल्फ है जो स्टडी होता है वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है, इसके मायने रखता है। करंट अफेयर एक बड़ी चुनौती है लर्नर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लर्नर्स सोचते हैं कि एग्जाम आया तो एक कोई आ जाए उस परीक्षा के लिए, वार्षिकांक पढ़ लेंगे, अर्धवार्षिकांक पढ़ लेंगे, या उस परीक्षा के नाम से कोई किताब पढ़े, उससे काम चल पाएगा क्या है? जी मेरा सोच यही है कि आप करंट अफेयर्स के लिए जाए ना तो आप डेली जैसे आप न्यूज़ का न्यूज़ पेपर पढ़िए, या जो छोटी मोटी जो घटना होती है मतलब उस घटना को जैसे उसको देखिए, उसको जैसे अमल कीजिए उस पर क्या है, तो आप इस तरह से अगर डेडिकेटेड रहते हैं मतलब डेली नोट्स बनाना होगा आपको, खुद से बनाइए। हाँ तो काम चल रहा है, आप जो एक बार जो वार्षिकांक पढ़ते हैं उससे बेहतर है कि आप डेली जैसे नोट्स बनाइए, नोट्स पढ़िए जी। टेस्ट सीरीज का क्या रोल है? आपको लगता है कि रोज सुबह शाम टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए क्या? मेरे मायने में कि टेस्ट सीरीज रोज लगाना उतना नेसेसरी नहीं है, आप अल्टरनेट लगाइए। आप जैसे एक टेस्ट कम से कम 2 दिन पर आप एक टेस्ट सीरीज लगाइए, और उसका एक दिन आप उस पर जैसे क्या एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और जो चीज़ मतलब नहीं समझ आ रहा है आपको प्रयास कीजिए कि अगला बार में वो क्वेश्चन लग रहा है गलती ना हो जाए। मतलब बहुत बेबाक बात इन्होंने बहुत साफ कहा है। और दूसरी बात यह है कि गलतियाँ मतलब मनुष्य का ह्यूमन एरर होता है, गलती किसी से भी हो सकता है। बिल्कुल तो हल्का लेकिन मैंने जो हल्का जो सवाल हमें आता है वो अगर उस पर गलती हो जाए तो उसको थोड़ा अफसोस होता है, इस बात पर भी ध्यान रखना। मतलब हल्के सवालों को गलत नहीं करना, नहीं करना। अगर आप हल्के सवाल को गलत कर देते हैं तो वह जो आप मेरी माइंड में जैसे वो दिक्कत हो जाएगी आपको। बिल्कुल हल्के सवालों को गलत नहीं करना है। दूसरा एक बड़ा प्रश्न होता है कि जो उन्होंने कहा कि टेस्ट सीरीज 2 दिन पर लगाइए, तो आप सभी व्यूअर्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह शाम टेस्ट सीरीज के जंजाल से बाहर निकलिए और खुद का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। लेकिन घटना चक्र जैसी किताबें हैं और भी बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बैंक हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सुबह शाम इस टेस्ट सीरीज के लक को छोड़िए, नंबर वन। दूसरा एक बड़ा सिंपल सा और सीधा सवाल है कि एनसीईआरटी क्या 6वीं से 10वीं तक पढ़ी जाए कि 12वीं तक पढ़ी जाए? मेरे ख्याल से 12वीं तक पढ़े तो और अच्छा है। तो फिर तो 12वीं तक पढ़ के लोग IAS बन जाते हैं, तो फिर दरोगा काहे बनना पसंद करेंगे? होता है मूल रूप से तो जिसका जो जितना आपका इंटेक है उस हिसाब से आप कर पाएंगे। बिल्कुल ये बात भी है। एक बड़ा मिथ आजकल दौड़ रहा है कि सुबह से जैसे फिजिकल के ऊपर, जैसे आपने ही बताया कि बहुत सारे बच्चों का PT भी निकल जाता है, PT निकलने के बाद वो मेंस की तैयारी करते हैं, फिर वो मेंस में फेल कर जाते हैं। आपने भी 1717 में PT निकाला लेकिन मेंस आपका दुर्भाग्य से नहीं हो पाया, तो वैसे छात्रों के लिए क्या कहेंगे कि क्या एक समुचित तैयारी होनी चाहिए कि पहले प्रीलिम्स आया तो दौड़ के पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लें, फिर मेंस आया तो मेंस की तैयारी करें, या समय दे करके समुचित व्यवस्था के अनुसार तैयारी करें? मेरे विचार से कि आप जब आप PT देते हैं तो PT जब आप निकल जाता है तो आप थोड़ा बहुत जैसे अपना फिजिकली तैयारी शुरू कर दें, उस बाद आप मेंस एग्जाम दे देते हैं तो आपको लगता है कि जैसे नहीं हमको अपना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम निकाल सकते हैं इसमें हम, तो आप पूर्ण रूप में जैसे आप उस पर डेडिकेटेड हो जाइए फिजिकल के ऊपर कि हमने हमको फिजिकली करना है, और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि अपना एक कॉन्फिडेंस बना के रखिए कि नहीं हमको जैसे इस बार निकलेगा हम फिजिकली अच्छा से करेंगे। अच्छा कैसे लोग सेल्फ मोटिवेटेड करेंगे? क्योंकि मतलब मान लीजिए किसी के रूम पार्टनर का रिजल्ट हो गया, वो डीमोटिवेट हो जाता है कि मेरा नहीं हुआ, इसका हो गया, दोस्तों का हो गया, मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल से, तो लोगों के अंदर में खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखे बच्चे? आपने अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रखा था? सेल्फ कंपटीशन में पता क्या है जैसो कि बहुत सारे लड़के ऐसे होता है जो इंडियन खराब हो जाता है तो वो जैसे डाइवर्ट हो जाता है, वो जैसे डिप्रेशन में आ जाता है। बिल्कुल मेरे निजाम से इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और इस पर हमको ध्यान नहीं, उनको कमी अपने अंदर ढूंढना चाहिए कि आखिर हमें कमी क्या है, हमारे सामने वाला निकल गया और मैं नहीं निकल पाया, तो अपने अंदर कमी ढूंढना चाहिए, ना कि मतलब ये नहीं कि उसको निकल गया हमको क्यों नहीं हुआ, ये मन में एक होता है ईगो, इस ईगो को निकाल देना चाहिए, अपने अंदर कमी को ढूंढना चाहिए, निगेटिविटी दूर करके अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको भी
पॉजिटिव एंड में लें और जो कमी आ रही है उनको ढूंढे और फिर काम करें और फिर अगली बार से। मतलब आपने यही अपनाया क्या 1717 से ये 1446 का दौर? जी मैंने फायदा किया, काम किया। मतलब देखिए ये टेस्टेड एंड ट्रायल्ड है तो आप इसका प्रयोग जरूर करें। एक बात और निकल के आती है दरोगा के परीक्षा के दौरान कि छात्र जो है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे छात्र बीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, उस बीच में दरोगा परीक्षा को पास कर जाते हैं, ठीक है, और दरोगा परीक्षा में क्वालिफाई करके फाइनल रिजल्ट भी ले आते हैं। तो वैसे सभी छात्रों के लिए आप क्या कहेंगे कि आप दरोगा के लिए स्पेशल तैयारी ना करें, आप अपने एक जीएस का इंटीग्रेटेड फुल तैयारी करें और उसके बाद जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है उन परीक्षाओं को आप देते चलें, कैसा मानना है क्या? हाँ पता है क्या, जब आप एक बार तैयारी कर लेते हैं, मतलब एक हाई लेवल से आप तैयारी करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उससे थोड़ा कम लेवल का आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो रिजल्ट होगा। और निर्भर यही करता है कि आप जो अभी बेरोजगारी का दौर है, मतलब कट ऑफ कंपटीशन जिसको बोलते हैं, गला घोट प्रतियोगिता है, बिल्कुल, तो इस प्रतियोगिता में बहुत का ये सोच रहता है कि हम मतलब कहीं ना कहीं मतलब इनसे सेटल हो जाए, निकल जाए, उस पर हम आगे तैयारी करें, बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना यह भी है कि जब आप किसी हाई लेवल की तैयारी करते हैं तो आप उसके बाद डेडिकेटेड रहिए। हाँ, आपके उस रास्ते में बाधाएं जरूर आएगी, परिस्थितियां जरूर आएगी, क्योंकि मैंने जैसे जो प्रेमचंद का एक जो है शीर्षक पढ़ा है, क्या कहते हैं उसको, गोदान ऐसे बुक है, बताया है कि चरवाहा एक शीर्षक है, उसमें बताया गया है कि परिस्थितियाँ मनुष्य सब कुछ मनवा लेती है, बिल्कुल, परिस्थितियाँ आपके बाधे में रोराट का सकती है, बिल्कुल, इसलिए उससे नहीं घबराए, आपको सफलता एक दिन जरूर, मतलब अगर अपने आपको आप कॉन्फिडेंट रखें, मोटिवेटेड रखें, तो अगर इतनी भी बात आए और बिघ्न आए आप उनको पार करके जरूर निकल सकते हैं। दरोगा की परीक्षा काफ़ी चैलेंजिंग हो जा रही है आज के दौर में, तो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, सीटों की संख्या बड़ी कम है, लगभग 5 लाख से ऊपर लोग फॉर्म को भरते हैं और मुश्किल 2000 के आसपास लोग सेलेक्ट होते हैं, मतलब यूँ कहें कि 100 लोग में एक लोग भी नहीं, 5 लाख में अगर 2000 लोग आ रहे हैं तो 0.6% के आसपास का रिजल्ट होता है, मतलब अगर 200 लोग तैयारी कर रहे हैं तो 200 लोगों में एक लोगों का रिजल्ट होता है जिन्होंने फॉर्म भरा। तो ऐसी परिस्थिति में छात्रों को 3 विशेष सलाह आप क्या देंगे जो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो और छात्र उनका विशेष ध्यान रखें? सबसे पहले हम तो ये कहेंगे कि डेडिकेशन बहुत बड़ा चीज़ है, डेडिकेशन उसके प्रति रहिए, लगनशीलता भी होनी चाहिए, और तीसरी बात यह है कि आप दृढ़ संकल्प, ये 3 वो चीज़ मैंने रखी है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि डेडिकेशन, शुरू में जब बच्चे तैयारी करते हैं ना तो बहुत डेडिकेटेड रहते हैं, जब आज नई नई तैयारी शुरू की है, आज पहले दिन किसी को XYZ कोचिंग में गए हैं, वहाँ टीचर से पढ़ा, खूब मोटिवेटेड है, घर आके 3-4 घंटे खुद पढ़े, लेकिन ये 4-5-6 दिन जैसे ही बीता वैसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल और मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, उन छात्रों को आप क्या बताएंगे? भाई ऐसे लाखों लाख की संख्या में हैं जो शुरू तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन अंत तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो उनको अपने आप को कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आपको कौन से तरीके बताएंगे जो उनके लिए कारगर होंगे? कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए हमारे विचार से, और जो बहुत सारी बातें ऐसी होती है उसको इग्नोर करके चलना है, बहुत इस तरह का बात आता है, मतलब बच्चों को हर लाइफ में तैयारी करने वाले को कि ऐसे हुआ फन्ना चीना इस तरह का बात, मतलब बहुत तरह का सिचुएशन समस्याएँ आती है, बिल्कुल, तो उस सबको इग्नोर करके चलना चाहिए। और जहाँ तक तैयारी करने का बात है तो 6 से 8 घंटा जो प्रायोरिटी है पर्याप्त है, अगर आप जितना ही देर पढ़ते हैं उसमें आप कॉन्सेंट्रेशन बनाइए, लेकिन 6 से 8 घंटा जो देना है वो डेडिकेटेड देना है, मतलब ये नहीं कि पढ़ रहे हैं और इधर से फ़ोन पे मैसेज आया उसको भी देखने लगे, ये नहीं डेडिकेटेड देना। अच्छा, मोबाइल आप मानते हैं कि नहीं कि बाधा है? किसको आप कैसे आप देखते हैं मोबाइल को? आप पॉजिटिव लेते हैं कि बच्चे यूट्यूब पर पढ़ाई करेंगे कि बच्चे यूट्यूब पर रील्स देखेंगे, क्या देखते हैं आप, इनका कैसे सदुपयोग है? दुरुपयोग आजकल ज़्यादा हो रहा है, दुरुपयोग सदुपयोग में यही है कि आप मोबाइल का जैसे थोड़ा बहुत जैसे इंटरटेनमेंट के लिए आप जैसे देख लीजिए, इनसे वो अलग बात है, लेकिन आप जैसे क्या है कि उस जो यूट्यूब शो होता है, आप पढ़ाई के प्रति जो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, गूगल पर देखिए, अपने नया टॉपिक सब जो होता है उस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात यह है कि आप जो सिलेबस से हट कर जो है ना इस कंपटीशन में गला घोट प्रतियोगिता में कि सिलेबस से हट कर कुछ आपको अलग करना ही पड़ेगा मीटिंग, इसके लिए जो आप है कि आप गूगल यूट्यूब इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव सेंस में मोबाइल का इस्तेमाल करें कर सकते। और अगर आप पढ़ते समय हैं तो बच्चे को अगर मतलब जैसे एक हमारे टॉपर ने कहा कि पढ़ते समय इंटरनेट को बंद कर दें, मोबाइल समस्या नहीं है इंटरनेट समस्या है, तो आप मोबाइल रखिए, घर से किसी का फोन आ सकता है, लेकिन उस दौरान आप अपने इंटरनेट को अगर बंद कर दें तो आपको नहीं लग रहा है कि इंटरनेट बंद करने से लर्नर्स को काफ़ी मदद मिल जाएगा?
जी इंटरनेट से वर्क करने से वो बहुत थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा जी, और इसका पॉजिटिव इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल, मोबाइल में बहुत अच्छी चीजें भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं जी। ठीक है, कैसा बोध होता है आपको, आप वर्दी पहने हैं, जिम्मेदारियां हैं, लाखों लोग आपके पास उम्मीद लेकर के आते होंगे, हजारों की संख्या में गाँव के लोग आते होंगे, जिस भी थाने में आप पदस्थापित होंगे वहाँ के लोग आते होंगे, बड़ी उम्मीदें रहती होंगी, आपको भी लगता होगा कि कोई गलत चीज ना हो जाए, मेरे से चूक ना हो जाए जी। कैसा बोध होता है, कैसा लगता है दरोगा बनने के बाद? जो लोग सपना देख रहे हैं उनको आप बताइए कि कैसा लगता है दरोगा बनने के बाद? सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ग्रामीण इलाका से बिलोंग करता हूँ और मीडियम फैमिली से। बिल्कुल, तो जब उस परिस्थिति से अति दौर से निकल कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपने आप में थोड़ा गर्व की बात है जी। और ये जहाँ तक ये बात है कि हम जब कहीं भी मतलब अपना ड्यूटी के दौरान, अपना कर्तव्य निर्वहन के दौरान कहीं भी जाते हैं, तो यही रहता है कि हमसे किसी तरह का कोई गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, और जहाँ तक हो सके जनता की सेवा कर सके, लोगों के साथ न्याय हो, और न्याय हो, जो भी सही है वो सही हो, सही हो, सही हो। तो हमारे साथ ये धीरेन्द्र थे, इनकी संघर्ष की गाथा हमने सुनी। और धीरेन्द्र, एक अंतिम बात, अपनी जर्नी बताइए, 12वीं से लेकर नौकरी तक पहुंचने की आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आप पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे तैयारी करी, कैसे कैसे आप ट्यूशन जाते थे, कैसे आप सेल्फ स्टडी करते थे, किन परिस्थितियों का सामना करके आप दरोगा तक बने? मैंने तो सर्वप्रथम मैं ज़्यादातर समय सेल्फ स्टडी में ही बिताया। मैंने कोचिंग संस्थान का सहारा बहुत कम लिया जी। जैसे होता है कि टीचर्स के नोट्स, आपका भी सर कुछ नोट्स में देखे सीख गए और उससे भी मोटिवेशन मिला, और उसके बाद जैसे टेस्ट जिस होता है वही सब बनाए ज़्यादातर। मतलब यह है कि मैंने, देखिए सेल्फ स्टडी जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग आज के दौर में नहीं बैठ पाते, कुर्सी पर 2 घंटा बैठना मुश्किल है, ऐसे है या नहीं है? ठीक है, तो कैसे मोटिवेटेड, कैसे दिन भर सेल्फ स्टडी कर लेते थे आप? दिन भर नहीं, मतलब आप जैसे 6 से 8 घंटा ही कीजिए, ब्रेक ले लेंगे सिलसिलेवार ढंग से आप पढ़िए, हमें यही है। चलिए, तो हमारे साथ थे धीरेन्द्र, और धीरेन्द्र की संघर्ष गाथा को हमने जाना और देखा कि भाई डेडिकेशन और एक जो सबसे बड़ी बात थी सेल्फ स्टडी, खुद को समय देना होगा तभी सफलता मिलेगी। आज की इस वीडियो में हमारे साथ थे धीरेन्द्र, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ, देखते रहिए तब तक द ऑफिसर्स एकेडमी। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।